फोन करी था बोल मैंने की काफ होता है। सासू जी आते इसी दिन नाचने बैठ गए। माँ ने अपनी बेटी को काफल के प्रति मार दिया था। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो अभी की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे दिन के 2 बजे से। तो अभी अभी हम घर में पहुँचे हैं। घर में आने के बाद हमने खाना भी खा लिया है। बाकी ना आज हमारे घर पे ना दीदी भी रुक गई है। तो दीदी ने जाना था घर, तो मैंने बोला दीदी को कि हमारे घर के रास्ते से चलते हैं, क्योंकि अभी दिन का टाइम था तो गाड़ी उधर से नहीं मिलती है दीदी के घर के लिए। फिर ना दीदी को काफल लेके भी जाना था, तो हमने बोला हमारे गांव में थोड़ा बहुत काफल होते हैं, तो दीदी इसी रास्ते से काफल भी निकालेंगे साथ में और घर के लिए लेके जाएगी। बाकी ना आज ना आरती दीदी भी पहली बार हमारे घर में आए हैं, तो हमारे घर में आपका वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी के लिए बड़ी मुश्किल करके रुकी हैं, क्योंकि इस टाइम पे तिलवाड़ा जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं मिलती है, तो इसलिए आज दीदी को हमारे ही घर में रुकना पड़ा। और साथ में अब हम शाम के टाइम पे जाएंगे काफल के लिए, अपने गांव का जंगल घुमाऊंगी आपको। गाड़ी नहीं मिली यार दोस्तों, क्या करूं। तब कैसा लगा आपको हमारा गांव? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अभी अभी तो आ रही हूँ, इधर उधर देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा, खूबसूरत नजारा है यहाँ का। वीडियो में देखा था, आज सामने सामने देखा, पहली बार आई हूँ, पर बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी जरूर आओ आसमा बहन के घर पे। सभी दीदी भूली लोग सभी जितने भी जितने देख रहे सब आओ भी हमारे YouTube फैमिली में हैं, सब आ जाओ। बहुत ही अच्छा सुंदर गांव है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे रुकने के लिए। इन दोनों ने आने के बाद ना एकदम स्नान भी कर लिया है, मैंने तो नहीं कराया क्योंकि मैंने इनके लिए खाना बनाया। नहीं नहीं, इसने नहीं बनाया खाना, तो भाई साहब ने बनाया, ऐसी बात नहीं, झूठ क्यों बोल। पर मेरा मन नहीं कर रहा था नहाने का, इसलिए मैं नहीं। इन दोनों ने अभी आपको बहुत ठंड लग रही होगी ना, बहुत ज्यादा फुर्तीली हो गई थी, बहुत ज्यादा काम इसने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। क्या कर रहे हैं जब ऊपर थे ना मम्मी के पापा के साथ, तब ये कुछ नहीं कर रही थी, यानी कि ये कबाड़ी है। सुनो, क्या आप लोगों को भी ऐसा होता है जब आप मायके जाते हो तो आपका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है? मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं मायके जाती हूँ तो एकदम बोर, मतलब ऐसा मन करता है कि कुछ काम ही नहीं करना है, बस सोना है सोना है। जैसे ही मतलब अपने मायके से ससुराल साइड आओ ना, वैसे ही काम करने का मतलब एकदम शरीर एकदम हल्का हो जाता है। पता नहीं हल्का हो गया, बिल्कुल हल्की हो गई, पोथली जैसी उड़ गई तब से काम के। और गई नहीं देख ली, बगल वाले सासू जी देख, यहाँ से सासू जी देख रहे हैं, बगल से यहाँ से देख रहे हैं सासू जी। सो बढ़िया तुम। ए जी प्रणाम। हाँ तुम भी। हाँ हाँ बस छोटा तो मरना चेना बुआ लाड़ी बुआ। हाँ सब ये मेरी दीदी जी ना, बस सबसे बड़ा है ये आरती दीदी जी ब्यो तिल बड़ा। हाँ बाल से ना शाम के 3 बजे का टाइम हो चुका है और खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी हम जा रहे हैं काफल के लिए। रेस्ट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा किया। अब भाई मौसम भी देखो हल्का हल्का खराब होने बैठ गया है, और इन दोनों को काफल के वास्ते ही मैंने यहाँ पे रुकाया है, नहीं तो ये रुकने वाले नहीं थे। और जबरदस्ती रुकाया है कि शाम के टाइम पे काफल के ले जाएंगे, तब जाके गाड़ी भी नहीं मिली। और साथ में इनके यहाँ काफल तो होते नहीं है, दोनों के यहाँ नहीं होते हैं काफल, तो हमारे यहाँ होते हैं, तो जो चीज होती है वो जरा इनको भी चखाना जरूरी है। तो चलो मैं तो भागती हूँ फटाफट। अब फटाफट से भागना होगा क्योंकि बारिश की संभावना हो रही है, कहीं हम पछड़ा जाएंगे ना। तो दीदी को बोल फाफन गाँव बोल, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो अभी फाफन गाँव में बहुत सारे फैन है दीदी के, पर क्या कर सकते हैं यार, रेखा दीदी से मिलना, उनकी गौशाला जाना होगा, है ना। फिर जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है, पक्का जाएंगे। फाइनली हम जंगल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमको एक काफल का पेड़ भी मिल चुका है, जिस पे हमको अभी ना बहुत सारे काफल दिखाई दे रहे हैं, ये देखो आप लोग देख सकते हैं। तो फटाफट से हम इन काफलों को निकालते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा हल्ला नहीं करना है क्योंकि ना यहाँ लोगों के घर हैं और उनके खेत के किनारे ये पेड़ है, तो वो ना निकालने नहीं देते हैं हम। लेकिन हम
छुपके से निकाल रहे हैं। तो भाई अभी मैं आ रही हूँ काफल के पेड़ पे और थोड़ा थोड़ा हमने काफल निकाल दिए हैं। और आर दीदी देखो इस वाली टहनी पे जा रखी हैं। एक नहीं निकाली, इससे पहले भी गई कभी पेड़ पे? पेड़ पे तो गई थी ना। हाँ। मायके में। हाँ। पर रुको दोन क्या वो आप यहाँ की छुई लगाती मैं आपको। हाँ। बहुत सारे काफल है। हाँ। ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसे बोलूंगी झूठ बोलूंगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आए हम और उधर पे एक काफल का पेड़ है, जक्का जोर बंद किया है डाले। मैं तो खुश हो गई थी पेड़ को देख करके, पता क्या हुआ वहाँ पे वो लोग मना कर रहे, कैसे करके जाएंगे था। मैं एक बार बोले थे हल्ला नहीं करते, आराम से जाते सारा निकाल देते, अब नहीं दे रहे वो हल्ला करे उधर जाओ उधर जाओ। आ रात में क्या पता धाना भी पड़ सकता है भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, सच में मैं दिल से बोल रही हूँ। आसमान जोर जोर से गड़क रहा है, अब बहुत सारी दरार भरने लगेगी काफल की। और दीदी ना नीचे जा रखी है, मेरी बड़ी वाली दीदी ना यहाँ नीचे वाले पेड़ पे जा रखी है यहाँ इधर, और तब तक हम निकालते हैं यहाँ से काफल। तो थोड़ा थोड़ा काफल है यहाँ पे ये देखो, तो इनको हम फटाफट से निकालते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। 6 बजे का टाइम हो चुका है और इतने काफल निकाल दिए हैं, अभी फुल डिब्बा नहीं हुआ। दीदी पता नहीं अभी कहाँ है, ऊपर जा रखी है काफल निकालने, तब तक हमने यहाँ पे बनाई है एक रील जो कि माँ बेटी पे है। काफल पक्को मैंने चखो वाला गीत आपने सुना ही होगा, बहुत इमोशनल सॉन्ग है। एक कहानी के माध्यम से इस गीत में दर्शाया है कहानी को माँ बेटी पे, तो माँ ने अपनी बेटी को काफल के प्रति मार दिया था, वही कहानी है इसमें हमने जो बनाया है रील। ये देखो आरती रावत ऑफिशियल पे, इस रील को ज़रूर देखिए इंस्टाग्राम पे। काफल पर मैंने इसको मारा नहीं, मैंने आज छोड़ दिया। हाँ मैं खा रही थी पर तो खाने नहीं दिया। आप सब के लिए ये काफल आ रहे हैं तो तिलवाड़ा में आना, तिलवाड़ा कल तिलवाड़ा मार्केट में आना इन काफल खाने के लिए। सब लोग आ जाना, सात भाई होने जब एक। पर ये बात ये है कि ये वीडियो बहुत लेट में आएगी तिलवाड़ा दीदी के पेट से, तब तक काफल बाहर भी निकल जाएंगे, बाहर भी निकल जाएंगे, वीडियो तब आएगी, कोई फायदा नहीं। जरूर देखिएगा दोस्तों इस रील को आरती रावत ऑफिशियल पे और आसमानी की ऑफिशियल दोनों पे। दीदी भी यहाँ पे काफल लेके आ गई हैं, ये देखो दीदी खोवन, ये हमारी देवरानी हैं, दीदी की सासू जी की बुआरी, मतलब और ये शरमा रही हैं, मतलब वीडियो में आने के लिए शरमा रही हैं, मुंह लुका रही हैं, तो जबरदस्ती नहीं करेंगे हम। इतना काफल दीदी ने निकाले, इतना काफल भुल्ली ने निकाले, ये दोनों देवरानी जेठानी हैं, वैसे मतलब दीदी की सासू और इनकी सासू ना खास दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं। तो इन दोनों ने अभी इतने काफल निकाले हैं, तो फिर चलते हैं थोड़ा सा इनके घर पे, इनके जो ये शरमा रहे हैं, अपने ही गाँव वालों से क्या शरमाना यार। तो ठीक है इधर चलते हैं हम, थोड़ा सा इसी रास्ते से हम जाते हैं घर, बाकी हमने भी इस डिब्बे पे निकाल दिया है तो काफ़ी होते हैं इतने काफल, अब इस रास्ते से हम जाते हैं घर हैं अभी इनके घर पर। और यहाँ पर देखिए पुराना वाला घर, जंगला वाला घर जो कि अब बहुत कम देखने को मिलता है, और सामने पे बहुत ही प्यारा गुलाब का पौधा जिसपे कि खूब सारे गुलाब लगे हुए हैं, प्यारे प्यारे गुलाब। तो अभी यहाँ पे आ चुकी हैं सासू जी। साजी प्रणाम। सासू जी प्रणाम। सासू जी यार आयो। सासू जी आते इसी दिन नाचने बैठ गए। तबियत पानी ठीक छे? का पौधा की लेनी है? गोपाल सब ठीक छे ने? का पौधा की लेनी है? तुम तो बोल रहे हो तुम गाड़े अपन। अब बुआरी तो गाड़ दो तुम जरा पार, अब दीदी तबे अब दी तो काफो गाड़ दो तुम जरा। अब मैं बुआ लगाई छे। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। अभी थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे चाय पी लेते हैं। बड़ा ही चाचा पानी। देखो भाई सासू जी ने इतने सारे काफल निकाल रखे हैं, पूरे एक परात काफल की कदबाजे तुम्हें था काफो था। और इस पे ये ना नमक, ये देखो नमक और तेल में ना मिक्स कर रखे हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। फोन करी था बोल मैंने कि काफ होता है। धन्यवाद सासू जी। देखो भाई अब दीदी तो इतनी का काफो गाड़े यो देखो ये सासू जी, मेरी दीदी सासू और इस सासू जी खास बहन छिन। धन्यवाद धन्यवाद बोलो। ये सासू जी ने हमारे लिए खाने के लिए बनाए हैं ये, और ये बल दीदी को घर ले जाने के लिए, तो एक फोटो लेनी है इन। अभी हम खा रहे हैं काले काले काफल, वो भी नमक मिर्ची तेल में मिक्स कर रखे हैं, थोड़ा टेस्ट करके बताते हैं। आप आपके मुंह में पानी आ रहा होगा काफल देख के। हेलो
तो अभी हम जा रहे हैं गौशाला और 7:15-7:30 बजे का टाइम हो गया है और दीदी को ना यहाँ पे बहुत सारे लोग दीदी की वीडियो देखते हैं तो सभी लोग बल दीदी से मिलना चाहते थे गांव में बहुत सारे लोग दीदी से मिले और अभी गौशाला में भी बहुत सारे आपके फैन हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं साथ अंधेरा हो गया। हाँ उसके साथ साथ दीदी को हमारी गौशाला भी देखनी थी पर तो अंधेरा भी हो ही चुका है पर फिर भी दीदी ने बोला कि मुझे जाना है तो जाना है मतलब होता है कोई हमें जानता है पहचानता है तो उससे मिलना भी जरूरी होता है। हाँ हाँ दीदी यार दीदी ये देखो भाई दीदी नीचे से आपके फैन बटा रहे हैं आपको। ओ ना दीदी प्रणाम। हाँ तो हेलो दोस्तों प्रणाम गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। आज वीडियो की शुरुआत सीधे अगले दिन सुबह हो रही है, अभी सुबह के 6:30 हो रही है। मौसम देखिए भाई बहुत ही ज्यादा धुंध सी छाई हुई है और ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा बादल भी लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे ना दीदी लोगों की तैयारी हो चुकी है आज घर जाने की। सुप्रभात सभी लोगों को, यहाँ से घर जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। मेरा मन भी नहीं कर रहा है यार, और इतने दिनों तक साथ में कल दिन से और अभी तक रहे साथ में, मतलब साथ में तो उस दिन से है जिस दिन से ऊपर गए हैं हमारे घर में के पता नहीं चला। नहीं मम्मी पापा दो चार रील और बनानी थी हमने वही तो यादगार पल। बाकी हाँ, आप लोग कोई बात नहीं फिर आना यार हमारे यहाँ जरूर। फिर ढुंसानी घूमेंगे इधर उधर, एक मूवी भी बनाएंगे। कल टाइम में नहीं मिला कल तो हम रात को जाए ऊपर गौशाला में, और अब टाइम मिलेगा तो फुर्सत से आएंगे, फिर ढुंसानी भी जाएंगे, बहुत सारी वीडियो भी बनाएंगे और समय मिलेगा तो मूवी भी बनाएंगे, है ना। बाकी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा जिस प्रकार से मिलता है उसी प्रकार से देते रहना, जब आप लोग हैं तब हम हैं। तो दीदी उधर में फोन पे बात कर रही है, यहाँ पे बैग वगैरह भी इनके तैयार हो चुके हैं, यहाँ पे दीदी भी हो गई है तैयार। तो अभी दीदी भी तैयार हो गई है और वैसे तो कल आदि बोले तो छोड़ना मोहन नहीं बन दीदी हम तभी लोग आदि दीदी आदि दीदी ना तो मैं हूं अब दीदी के घर जाएंगे अगली बार। वाह छोटी अब छोटी वाली बेटी की शादी में आना है आपने, वाह बुलाएंगे तो दीदी जरूर पक्का। तो भाई अभी यहाँ पे सामने पे गाड़ी भी आ चुकी है और यहाँ पे दीदी लोग भी छत में तैयार होके आ गए हैं, तो अब बैठते हैं ये भी गाड़ी में। Thank you.